कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देखते हुए अब राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रबल आलोचक एंकर सुधीर चौधरी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति एंकर के इस बदले रुख के चलते लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े प्रशंसकों में शुमार एंकर सुधीर चौधरी। अपने शो में पीएम के मुख्य प्रतिद्वंदी राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए तो लोगों ने इसे कर्नाटक में चुनावी रुझानों का असर बताते हुए एंकर की तगड़ी फजीहत कर दी है। अशोक पांडे ने कहा, ये वो बिरादरी है जिसे पता चल जाए कि सरकार बदलने वाली है तो राहुल चालीसा लिख डालेंगे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चौधरी पर शायराना तंज कसते हुए कहा, कहां तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी, मोम सा पिघल गया। सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की विशेषता का विश्लेषण करते हुए कहा, राहुल गांधी वो नेता हैं जो एक एक इंसान से संपर्क करते समय ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर किसी से मिलते हैं तो बड़ी सहजता और सरलता से मिलते हैं। चौधरी ने आगे बताया कि देश के हर आयु वर्ग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, सभी से बड़ी सहजता से मिलते हैं राहुल गांधी। सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी के बातचीत के लहजे की तारीफ करते हुए कहा, राहुल गांधी की बातें लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं क्योंकि राहुल गांधी का अंदाज कुछ ऐसा है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, हर कोई उनकी ईमानदारी का मुरीद बन जाता है। यही राहुल गांधी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। इसके साथ ही चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, यूट्यूबरों से मुलाकात, डीयू विजिट और राहुल गांधी की जन सरोकार से जुड़ी तमाम कहानियां सुनाते हुए उनकी प्रशंसा की है। चौधरी के मुताबिक राहुल गांधी मोदी की तरह मास लीडर तो नहीं है, लेकिन जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो उससे बनने वाली तस्वीरें देश के हर नागरिक को प्रभावित करती हैं। सुधीर चौधरी द्वारा की गई ऐसी अभूतपूर्व राहुल प्रशंसा पर तंज कसते हुए एक यूजर ने कहा, बस कर भाई जुबान घिस जाएगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने कहा, गहरा सदमा लगा है बेचारे को। सौरभ ने लिखा, ये कैसा जादू है, ये तिहाड़ी ही है ना। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।